इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबक़ल मुफ़र्रिदूना। क़ील वमल मुफ़र्रिदूना या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाल अज़्ज़ाकिरून अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात। सही मुस्लिम की रिवायत है। आपने फरमाया मुफ़र्रिदून सबक़त ले गए। दरियाफ्त किया गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुफर्रिदून कौन है? मुफर्रिदून किसको कहते हैं? फरमाया कसरत से अल्लाह का जिक्र करने वाले मर्द और औरतें। यानी यहाँ औरतों का भी अलग तौर पर जिक्र किया गया, वरना दीन के बाकी अमाल में या दीन की बाकी जो जिम्मेदारियां उनमें औरतें भी शामिल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, जिस मजलिस में अल्लाह ताला का जिक्र न किया जाए उससे जब लोग उठते हैं तो ऐसे होते हैं जैसे गधे के मुर्दार से उठे हैं, और वो जिक्र से खाली घड़ी उन पर हसरत का बायस रहेगी। क़यामत के दिन ऐसी चीजें और ऐसी जगह हसरत का जरिया होंगी, इंसान उन पर पछताएगा और अफसोस करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले मजलिस, जिस मजलिस में ना तो अल्लाह का जिक्र करें ना ही पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजें तो वो मजलिस उनके लिए नक्स यानी कमी और हसरत का बायस होगी। अल्लाह ताला चाहे तो बख्श दे या अजाब दे। ये तिरमिजी की रिवायत है। एक और जगह पर आता है, अहले जन्नत जन्नत में जाने के बाद अगर किसी चीज पर हसरत करेंगे तो वो उनकी जिंदगी के वो लम्हात होंगे जिनमें उन्होंने अल्लाह का जिक्र ना किया, यानी फारग लम्हात जिनमें वो खुदा को याद नहीं करते रहे। यानी वहां पहुंच जाएंगे, अपने मकाम मरतबे पर सुकून अमन की जिंदगी होगी, कोई गम नहीं, कोई खौफ नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दुख नहीं, कोई मरज नहीं, बीमारी नहीं, बुढ़ापा नहीं, कोई हम नहीं, कोई फिक्र नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, एक हसरत, एक खलिश, एक दुख जरूर होगा, और वो क्या? काश हम अपने इन लम्हात को जिनमें हम अल्लाह का जिक्र कर सकते थे और फिर ना किया तो वो ऐसे क्यों गुजर गए, हमने वो वक्त जाया क्यों किया। ये चीज अहले जन्नत के लिए भी हसरत का बायस होगी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिंदगी के अय्याम और महीने अल्लाह की याद के बगैर गुजारते चले जाना किस कदर खसारे और नुकसान का जरिया है। और इसके बरक्स अल्लाह को याद करना, अल्लाह का जिक्र करना कितनी रहमतों का बायस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिक्र इलाही के लिए कोई कौम जब और जहां बैठती है तो मलाइका उन पर घेरा डाल लेते हैं, फौरन फरिश्ते वहां पहुंच जाते हैं, रहमत इलाही का साया हो जाता है, सकीनत और इत्मीनान नाजिल होने लगती है। अल्लाह ताला अपनी मजलिस में उनका तज़किरा करने लग जाते हैं, यानी ऐसे लोगों का जिक्र आसमान पे होने लगता है। तिरमिज़ी में अब्दुल्लाह बिन बुसर से मरवी है कि एक आदमी ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैर और नेकी की बहुत सी चीजें हैं, बहुत काम है, नेकी की कई किस्में हैं, मगर मैं उन सबको कर नहीं सकता, यानी मेरे बस में नहीं कि सारे ही नेकी के काम करूं। शायद आपके दिल में भी कभी ये ख्याल आया हो कि इतनी सारी बातें पता चल गई हैं, क्या क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, बहुत कुछ करना भी चाहते हैं लेकिन इतनी जिंदगी नहीं, हिम्मत नहीं, वसाइल नहीं, तो क्या करें। तो उससे उसको भी यही परेशानी लाहिक हुई। तो अर्ज किया, इसलिए आप मुझे कोई मुख्तसर सी बात बता दें कि जिसे मैं कभी ना भूलूं, उसको मैं पकड़ के रखूं, उस पर खूब जम जाऊं और मरते दम तक उसे काबू में रखूं, यानी पकड़ के रखूं, बस उसको मैं कभी ना छोड़ूं। आपने फरमाया, ला यज़ालु लिसानुका रत्बन बिज़िक्रिल्लाहि ताला। तुम्हारी जबान हमेशा अल्लाह के जिक्र से तर रहे, बस ये बात ना भूलो, हमेशा अल्लाह को याद करते रहो। एक और जगह पर आपने फरमाया, मसलुल्लज़ी यज़कुरु रब्बहु वल्लज़ी ला यज़कुरु रब्बहु मसलुल हय्यि वल मय्यिति। अल्लाह का जिक्र करने वाले और ना करने वाले की मिसाल जिंदा और मुर्दा की सी है, यानी करने वाला ऐसा है जैसे जिंदा हो और ना करने वाला जैसे मुर्दा इंसान हो। जैसा कि कुरान पाक में एक और जगह पर आता है, अफमन कान मैतन फअहयैनाहु वजअलना लहू नूरन यमशी बिही फिन्नास। क्या भला वो शख्स जो मुर्दा था फिर हमने उसको जिंदगी बख्शी और उसको एक नूर अता किया जिसके साथ वो दुनिया के लोगों के बीच में चलता फिरता है। ये जिंदगी किससे नसीब होती है? अल्लाह की याद से। यानी एक शख्स जो जहालत की मौत मर रहा था, अल्लाह ने उसको इल्म दिया, अपनी याद दी, और फिर उस इल्म के नूर की वजह से उसको ऐसी रोशनी मिली कि जिसके साथ अब वो माशरे में जी रहा है। और जब तक इंसान जिंदा होता है, जब तक इंसान के पास हिम्मत ताकत है, वो बहुत सी चीजों का मुकाबला कर लेता है। तो गोया जिक्र इंसान को मजबूत और ताकतवर बना देता है, ऐसी ताकत जो अल्लाह की इताअत के लिए जरूरी होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है, हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब वो मुझे याद करता है तो मैं उसके पास होता हूँ, जब वो मुझे याद करता है मैं उसके पास होता हूँ, अगर मुझे दिल में याद करे तो मैं उसे दिल में याद करता हूँ, मजलिस में याद करे तो मैं उसे उससे बेहतर मजलिस में उसको याद करता हूँ, मेरी तरफ बालिश भर आए मैं हाथ बराबर आता हूँ, हाथ भर आए मैं दो हाथ बराबर आता हूँ, चल कर आए मैं दौड़ कर आता हूँ। बुखारी की रिवायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, जन्नत के बागों से गुजरो तो वहां कुछ खा लिया करो। सहाबा ने पूछा, जन्नत के बाग कौन से हैं? फरमाया, जिक्र इलाही के हलके, ऐसी मजलिसों को जिसमें अल्लाह की बातें होती हैं, अल्लाह की याद होती है। उसे किससे तशबीह दी गई? जन्नत के बाग से। जन्नत क्या है? जहां जाकर इंसान सारे गम भूल जाए। और क्या ये एक हकीकत नहीं कि जब हम वाकई पूरे दिलो दिमाग के साथ ऐसी मजलिसों में बैठते हैं, सब गम भूल जाते हैं, कोई दुख नहीं रहता, एक अजीब सुकून और खुशी और इत्मीनान और एक राहत और सकीनत महसूस होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है, हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो बंदा मेरा पूरा गुलाम है, यानी पूरा बंदा है जो मरते दम तक मुझको याद रखता है, और मरते दम तक वही याद रख सकता है जिसको सेहत की हालत में, ताकत की हालत में अल्लाह को याद करने की आदत हो। इसीलिए बहुत से ऐसे लोगों के वाकयात आपने पढ़े और सुने होंगे कि जो नज़ा के आलम में भी अल्लाह अल्लाह कर रहे होते हैं, अल्लाह की बातें कर रहे होते हैं। और कुछ लोग मरते वक्त भी जिस जिस चीज से मोहब्बत होती है, किसी कारोबार से या तिजारत से या फिर किसी इंसान से या किसी क्रिकेटर से या किसी और से, मरते वक्त भी उसी की बातें कर रहे होते हैं। और ये एक फैक्ट है। किसी ने एक रिसर्च की थी और उसने 100 ऐसे लोगों के तजुर्बात और मुशाहदात रिकॉर्ड किए और बयान किए कि जो डेथ बेड पे थे कि वो आखिरी वक्त में क्या बातें करते हैं। और देखा ये गया कि जैसी बातें लोगों की हालत बेदारी में होती थी, जिंदगी में होती थी, डेथ बेड पे भी वो उन्हीं चीजों के बारे में बात कर रहे होते थे, बिस्तर मर्ग पर भी वो उन्हीं चीजों के बारे में बात कर रहे होते थे। क्योंकि जो चीज कसरत से हमारी जिंदगी में होती है ना, वो ही ख्वाबों में नजर आने लगती। जो चीज हमारे दिल को लग जाए, मसलन किसी इम्तिहान का खौफ, तो ख्वाब में भी हम पर्चा लिख रहे होते हैं, टेस्ट की तैयारी कर रहे होते हैं, या किसी इंसान की मोहब्बत, तो फिर ख्वाबों में भी हमें वही नजर आ रहा होता है। एक कुदरती बात है। तो जिस दिल में अल्लाह की याद घर कर जाए, फिर हालत बेदारी में भी और ख्वाब में भी और जिंदगी में भी और मरते वक्त भी फिर वो अल्लाह ही को याद करता है। ऐसा ही बंदा अल्लाह उसको अपना मुकम्मल बंदा करार देता है कि ये मेरा है। और जिसको अल्लाह अपना कह दे, फिर इससे बढ़कर उसके लिए और कोई दर्जा और ग्रेड और रुतबा और मकाम क्या हो सकता है। दुनिया के बड़े बड़े ओहदे और दुनिया की बड़ी बड़ी तरक्की इसके सामने हेच है कि किसी को मालिक कायनात अपना कह दे कि ये मेरा पूरा बंदा है। कुरान पाक को अगर हम देखें तो उसमें भी हमें बहुत सारी ऐसी आयात मिलती हैं कि जिनमें जिक्र की कसरत या बार बार जिक्र करते रहने की तलकीन की गई है। मसलन सूरत अल-अहज़ाब में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो अल्लाह का जिक्र किया करो, अल्लाह को याद किया करो। कितना? ज़िक्रन कसीरा, बहुत बहुत ज्यादा, कसरत से, ज्यादा से ज्यादा। हत्ता के आप देखिए कि इबादात के बाद भी, हज के बाद फरमाया, फ़इज़ा क़दैतुम मनासिककुम फ़ज़्कुरुल्लाह कज़िक्रिकुम आबाअकुम अव अशद्द ज़िक्रा, जब अहकाम हज अदा कर लो तो अल्लाह का जिक्र इस तरह करो जिस तरह अपने बाप दादा का तज़किरा करते हो, बल्कि उससे भी ज्यादा जिक्र। यानी जिस तरह हम बैठ के अपने आबा अजदाद की बातें करते हैं, किस्से कहानियां, उनको याद करते हैं जो फौत हो गए, जो चले गए, जो जुदा हो गए, जो दूर चले गए, जैसे उनकी बातें करते हैं बैठ के अपनी मजलिसों में, महफिलों में, घरों में, उससे ज्यादा बढ़कर कहीं बैठ के अल्लाह को भी याद किया करो। क्योंकि जिक्र महज तन्हाई में नहीं, महज दिल में नहीं, महज एक खास मखसूस तरीके का विर्द नहीं, बल्कि उसके कई तरीके हैं जिनका आगे जिक्र आएगा। फिर इसी तरह मैदानी जंग में सूरत अल-अनफाल में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़स्बुतू वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ऐ ईमान वालो, जब कुफार से मुकाबला करो तो साबित कदम रहो और कसरत से खुदा का जिक्र करो, यानी मैदान जंग में भी। जिसमें एक शायर का शेर है, वलक़द ज़करतुकी वल्ख़त्तियु यख़्तुरु बैनना। एक शायर अपने महबूबा को कहता है कि मैंने तुम्हें उस वक्त भी याद किया था जब हमारे दरमियान नेज़े चल रहे थे। तो ये मकाम तो सिर्फ अल्लाह के लिए है कि नेज़े चल रहे हो, इंसान मैदान जंग में हो, तन्हाई में हो या मजलिस में हो, तो सबसे बढ़कर उसके दिल में अल्लाह ही की याद हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान पर जो घड़ी जिक्र इलाही से खाली गुजरी वही क़यामत के दिन हसरत का सबब होगी। और जैसा कि पहले मैंने अर्ज किया, अहले जन्नत को उस घड़ी के सिवा किसी चीज का अफसोस न होगा जो जिक्र इलाही से खाली गुजर गई। और हकीकत यह है कि दिलों को चमकाने वाली और दिलों को जिला बख्शने वाली चीज भी अल्लाह का जिक्र ही है। अब देखिए कि नमाज के बाद और खास तौर पर जुमे की नमाज के बाद फरमाया, फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़न्तशिरू फ़िल अर्दि वब्तग़ू मिन फ़द्लिल्लाहि वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। कि जब नमाज अदा की जा चुके तो जमीन में फैल जाओ, वब्तगू मिन फदलिल्लाह, काम काज करो, तिजारत करो, कमाओ, लेकिन वज़्कुरुल्लाह कसीरन, सिर्फ मस्जिद में नहीं, सिर्फ जुमे के वक्त नहीं, मस्जिद से बाहर जाकर, बाजार में जाकर, कारोबार में जाकर, दुनिया में पढ़कर भी क्या करो, वज़्कुरुल्लाह कसीरन, कसरत से अल्लाह को याद करते रहो। क्यों? लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ताकि तुम फलाह पाओ, कामयाब हो सको। और हकीकत यह है कि इंसान के दिल को जंग लग जाता है, इंसान के दिल पर मैल आने लगती है, इंसान का दिल सख्त होने लगता है, इंसान का दिल बीमार होने लगता है, इंसान का दिल बुझने लगता है। ये सारी दिल की बीमारियां हैं। इन सब बीमारियों का इलाज अल्लाह का जिक्र है। दिल की ग़िज़ा भी अल्लाह का जिक्र है, दिल का इलाज भी अल्लाह का जिक्र है। और वैसे भी अगर हम देखें तो इंसान जब तक अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह उस बंदे के साथ होता है। इमाम इब्न तैमिया फरमाते हैं, दिल के लिए जिक्र ऐसा है जैसे मछली के लिए पानी। दिल के लिए जिक्र ऐसा है जैसे मछली के लिए पानी। तो बताइए कि पानी से जुदा होने पर मछली पे क्या गुजरती है, क्या गुजरती है? आपको मालूम है ना कि अब सुनामी डिजास्टर में सबसे पहले क्या हुआ है, जमीन फटी है और जो समुंदर का पानी सतह जमीन पर था वो समुंदर के अंदर जाने लगा, सक होने लगा, जमीन उसको सक करने लगी। उसके नतीजे में जब पानी तेजी के साथ जमीन के अंदर गया तो जो मछलियां थी समुद्र में वो तड़पने लगी और बहुत से लोग उनको पकड़ने आ गए। उस वक्त भी इबरत की निगाह नहीं थी कि ये क्या हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि पानी इस तरह नीचे उतर जाए जमीन के। ये तो क़यामत की निशानियों में से, ये तो कोई बड़ी बला है, कोई बड़ी आफत है कि इदल बिहार फुज्जरत। तो आप जरा उस नज़ारे को इमेजिन करें कि पानी समुंदर का हट जाए और मछलियां, क्या हालत होगी उनकी। कभी तड़पती मछलियां देखी है? तो बिल्कुल इसी तरह जो दिल अल्लाह का जिक्र नहीं करते इसी तरह तड़पते रहते हैं, बेचैन रहते हैं। वो कहते समझ नहीं आती कि आखिर क्या है दिल में, क्या गम है, सब कुछ तो है फिर भी क्यों दुखी है? क्योंकि अल्लाह की याद नहीं। और अल्लाह की याद को भी वो सिर्फ चंद वजीफे वजायफ में समझते हैं, यानी जिक्र का भी चूंकि सही मफहूम नहीं पता होता, इसलिए बाज लोग जिक्र करके भी प्यासे ही रहते हैं, जिक्र करके भी उनको सही पानी नहीं मिलता। तो जिक्र करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इंसान को अल्लाह की मदद और तायीद हासिल होती है। फिर यह कि शैतान दूर भागता है, शैतान से इंसान महफूज होता है, शैतान के मंसूबों को नाकाम बना देता है। वो इतनी प्लानिंग करके आता है आपको बहकाने के लिए, आप अल्लाह की याद में मशगूल हैं, उसको मुंह की खानी पड़ती है, जलील और रुस्वा होकर लौटता है। फिर इसी तरह अल्लाह की रजा और खुशी का सबब भी जिक्र ही से होता है। जिक्र दिल के लिए भी रोशनी है और चेहरे के लिए भी रोशनी है। जिक्र दुनिया की रोजी की कुशाइश का सबब भी है, क्योंकि अदम जिक्र में मईशतन दन का, तंग जिंदगी, तकलीफ की जिंदगी की बात की गई। जिक्र ही इंसान के अंदर अल्लाह की मोहब्बत में शिद्दत पैदा करता है, क्योंकि जिस चीज को आप बार बार याद करते रहे ना, उसकी मोहब्बत बढ़ती चली जाती है, और जिसको याद करना आप छोड़ दें उसकी मोहब्बत खुद ब खुद कम होने लगती है। फिर जिक्र ही ऐसी चीज है कि जिससे इंसान एहसान के दर्जे को पहुंचता है। अंताबुदल्लाह का अन्ना का तराहू, गोया तुम उसको देख रहे हो। फिर इसी तरह इंसान के अंदर जो बसीरत है, गौर व फिक्र की सलाहियत है और इंसान पर हिकमतों के दरवाजों का खुलना, ये सब भी अल्लाह की याद से होता है। क्योंकि दिल बेहतर तौर पे कब काम करता है, जब उसको उसकी ग़िज़ा मिल जाती है, खुराक मिल जाती है, वो सेहतमंद होता है, ताकतवर होता है। जब दिल के अंदर अल्लाह की हैबत आती है, अल्लाह की मोहब्बत आती है, अल्लाह की याद आती है, उसमें सरशार होता है, तो उसकी निगाहें, उसकी जबान, उसके कान और तरह काम करने लगते हैं। उसकी पूरी शख्सियत पे असरअंदाज होता है जिक्र। ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं, ये दरअसल सिर्फ बातें नहीं हैं, कुछ लोगों ने अमली तौर पर इसका तजुर्बा भी किया है, इसका एक्सपीरियंस भी किया। इमाम इब्न क़य्यम कहते हैं कि एक दफ़ा मुझे इब्न तैमिया के यहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ। उनके शागिर्द थे। कहते हैं कि वो आम हालात में भी उनके साथ रहे और जेल में भी उनके साथ रहे, यानी जिंदगी भर उनके साथ रहे। और उनके फौत होने के बाद उनकी किताबों को आगे फैलाने वाले और उनके नजरिए को आम करने वाले भी वही थे। तो अपने उस्ताद की खिदमत में हाजिर होते हैं तो कहते हैं कि मैंने देखा कि आपने सुबह की नमाज पढ़ी और फिर वहीं बैठकर तकरीबन दोपहर तक जिक्र इलाही करते रहे। जिक्र से फारिग होकर मेरी तरफ मुतवज्जे हुए, कहने लगे ये मेरा नाश्ता था, अगर ये ना खाऊं तो मेरी कुव्वत कम हो जाएगी। इसके मतलब नहीं कि वो रोज ऐसे करते थे और सारे काम काज छोड़ के बैठे हुए थे, लेकिन कभी कभार वो इस तरह भी अल्लाह को याद करते थे कि एक नमाज पढ़ी और फिर देर तक उसी पे बैठे रहे और अल्लाह को याद करते रहे, गौर व फिक्र करते रहे। एक दफा फरमाया, बाज दफा मैं अपने नफ्स को दम देकर, यानी जरा सा सुकून लेकर, इसलिए कदरे आराम कर लेता हूँ कि दोबारा ज्यादा मुस्तैद होकर जिक्र कर सकूं। यानी मैं तो आराम भी इसलिए करता हूँ कि ज्यादा बेहतर काम करूँ। और फिजिकली भी इंसान उसी वक्त ज्यादा एक्टिव और नशीत होता है जब उसका दिल बेहतर तौर पर काम करता है। दिल का क्या काम है? पूरे जिस्म को, जिस्म के एक एक बाल को, एक एक सेल को खून पहुंचाना। और अगर वो ना पहुंचे तो क्या होगा? जिस्म के किसी हिस्से को खून ना पहुंचे, क्या बनेगी? डेड हो जाएगा। तो इसी तरह जब दिल में अल्लाह की याद नहीं होती तो बाकी जिंदगी के कामों में भी फिर कुछ नहीं होता, लिहाजा वो सारे अमल बेरूह होने लगते हैं, बेकार होने लगते हैं। तो दिल की जिंदगी जिक्र में है और इंसान की जिंदगी दिल की जिंदगी में है। और जब तक एक बंदा मोमिन का अपने रब से राबता नहीं होता, अपने रब के साथ एक मजबूत ताल्लुक नहीं होता, उस वक्त तक वो इताअत का हक भी अदा नहीं कर सकता। फिर आप देखिए कि जब तक हम अल्लाह की बात करते हैं या अच्छी बात करते हैं या दिल में अल्लाह को याद करते हैं तो हम झूठ, चुगली, गीबत, शिकायतें, इन सारी चीजों से बचते हैं। ये सारे शर किस वक्त हमारे ऊपर उमड़ आते हैं? जब हम अल्लाह को भूलते हैं। कोई शख्स अल्लाह को याद रखते हुए झूठ नहीं बोल सकता, बोल ही नहीं सकता। और अगर इंसान होने के नाते कमजोरी से उसके मुंह से निकल भी कुछ जाए तो फौरन पलटेगा, क्योंकि फुरकान है ना अंदर, और चैन ही नहीं लाने देगा। इसी तरह अगर गीबत करने लग जाए तो फौरन एहसास हो जाएगा। इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिन अश-शैतान तज़क्करू, उन्हें फौरन समझ आ जाती कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, फौरन रुक जाएगा। तो गोया जिक्र से एक ऐसी ताकत इंसान को नसीब होती है कि जिसकी वजह से वो बहुत सी बुराइयों से खुद बचने लगता है। ये कभी हो सकता है कोई शख्स जिक्र करे और फिर किसी की चीज चुरा ले, बिस्मिल्लाह पढ़ के किसी की चीज उठाए? ये हो सकता है? नहीं। ये शैतानी काम कोई किस वक्त करता है? सिर्फ उसी वक्त जब वो शैतान के पूरे तसल्लुत में होता है और अल्लाह को भूला हुआ होता है, वो दुश्मन के पूरे नरगे में होता है, फिर वो गलत काम की तरफ जाता है। तो जो शख्स अपने दुश्मन के आगे हार मान जाए फिर वो कहाँ से कामयाब हो सकता है? तो ये जितनी भी हमारी जिंदगी में लग़वियात, बेहुदा बातें, बेकार बातें, फजूल बातें, ये सब इसी वजह से होती है कि इंसान असल चीज को भूला हुआ होता है, अपने रब की याद से गाफिल होता है। जैसे कुरान पाक में भी आता है, वमन यअश अन ज़िक्रिर रहमानी नुक़य्यिज़ लहू शैतानन फ़हुव लहू क़रीन, कि जो रहमान के जिक्र से गफलत बरतता है। मन यअश, अशा का लफ्ज़ किससे? जब अंधेरा छा जाए, वही वक्त होता है ना। मन यअश अन ज़िक्रिर रहमान, रहमान के जिक्र से उसका दिल खाली होता है, अंधेरा है दिल। नुक़य्यिज़ लहू शैतानन, अल्लाह ताला खुद उस शख्स पे शैतान मुसल्लत कर देते हैं। फहुव लहू करीन, फिर वो उसका साथी बन जाता है, वो उसका दोस्त बन जाता है। फसा करीना, कितना बदतरीन दोस्त है ये, कितना बदतरीन साथी है ये। और सबसे बड़ी मुसीबत तो ये है कि जो अल्लाह को भूलता है अल्लाह उसको भुला देता है। जैसा कि इस आयत में भी फरमाया, क़ाल कज़ालिका अततक आयातुना फ़नसीतहा वकज़ालिका अल-यौम तुनसा, कि हमारी आयात तेरे पास आई थी, तूने उन्हें भुला दिया, इसी तरह आज तुझे भी भुलाया जाता है। सूरत अल-हश्र में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फासिकून। उन लोगों की तरह मत हो जाओ जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह ने खुद उनसे उनके नफ्स भुलवा दिए, यही लोग फासिक और बदकार हैं। यानी जिक्र ना करने से न सिर्फ ये कि इंसान अपने रब को भूलता है, जिक्र ना करना क्या है, रब को भूलना दूसरे लफ्जों में, तो ऐसा शख्स फिर खुद फरामोश भी हो जाता है। खुदा फरामोशी दरअसल क्या है, खुद फरामोशी। तो इंसान अल्टीमेटली अपने ऊपर जुल्म करने वाला होता है। और अगर देखा जाए तो जिक्र सबसे आसान तरीन इबादत है। अगर देखा जाए तो जिक्र आसान तरीन इबादत है, सो कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता आपको। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वअनस्तगफिरू रब्बकुम थुम्मा तूबू इलैहि यमत्तअकुम मताअन हसनन इला अजलिम मुसम्मा वयुति कुल्ल ज़ी फदलिन फदला। अल्लाह से बख्शिश मांगो, यानी इस्तिगफार की शक्ल में जिक्र करो, फिर उसकी तरफ रुजू करो, तुम्हें एक वक्त मुकर्रर तक वो अच्छा फायदा देगा, यानी दुनिया में भी, और हर साहिब फजल को उसका फजल इनायत करेगा। तो बात यह है कि जिक्र से दुनिया में भी इंसान बेहतरीन फायदे उठाता है। बहुत सी मुसीबतें, गम, परेशानियां, दुख, ये क्या है दरअसल, इस जिंदगी को भी जहन्नम बनाने वाली, इस जिंदगी को भी क्या बना देती है, दोज़ख। ये दुनिया भी एक कैद खाना बन जाती है। और इसके बरक्स अल्लाह का जिक्र और अल्लाह की याद, उससे इंसान दुनिया में भी जन्नत के मजे लेने लगता है। इसके बारे में इब्न तैमिया फरमाया करते थे, दुनिया में जन्नत है, दुनिया में जन्नत है, जो शख्स दुनियावी जन्नत में दाखिल न हुआ वो आखिरत की जन्नत में भी दाखिल न होगा। जब इमाम इब्न तैमिया की बहुत मुखालफत शुरू हुई, बहुत उनकी दुश्मनी शुरू हुई, तो कहने लगे इब्न कय्यूम को, अपने शागिर्द को, दुश्मन मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, मुझे क्या नुकसान देंगे, मेरी जन्नत तो मेरे सीने में है, जहां जाऊं वो मेरे साथ होती है, कभी मुझसे अलग नहीं हुई, कैद व हब्स मेरी खलवत है। यानी अगर मुझे कैद भी कर देंगे, जेल में डाल देंगे, तो वो तो मुझे तन्हाई मिल जाएगी, मैं अपने रब को और ज्यादा अच्छे से याद कर सकूंगा जो मैं लोगों के बीच में नहीं कर सकता। कत्ल मेरे लिए शहादत है, ज्यादा से ज्यादा मुझे मार डालेंगे, शहीद हो जाऊंगा। जिलावतनी, मुल्क से निकाल देंगे, वो मेरे लिए सैरो सियाहत है। तो मेरी जन्नत तो मेरे साथ है, मेरे दुश्मन मेरा क्या नुकसान कर लेंगे। यानी जब इंसान को अल्लाह की मोहब्बत हासिल हो जाती है तो फिर इंसान के सामने कोई तकलीफ, दुख, परेशानी परेशानी रहती नहीं है, क्योंकि उसके साथ उसका खुदा होता है, उसका रब होता है, उसके अंदर एक सुकून होता है। जब किले में कैद कर दिए गए, यानी बिल आखिर वो मुखालफत और दुश्मनी और शिकायतें उनके खिलाफ इतनी बड़ी कि हाकिम वक्त को इसी में आफियत नजर आई कि उनको जेल में डाल दिया जाए। तो किले के अंदर फरमाते हैं, इस नेमत के शुक्राने में, किसको नेमत कह रहे हैं, कैद को, इस नेमत के शुक्राने में ये किला सोने से भरकर खर्च कर देना भी मेरे नजदीक कम है, और मैं इस नेमत के इवज इस कदर सोना निसार करने को भी हकीर रकम तसव्वुर करूंगा कि लोगों ने मुझे सारी दुनिया से काट कर जो अलग कर दिया तो मुझे कितनी बड़ी दौलत मिल गई कि मेरे लिए अपने रब की याद और आसान हो गई। कि पहले थोड़ा वक्त मिलता था, अब ज्यादा वक्त मिलता है अपने रब को याद करने का। एक और मौके पे फरमाते हैं, दुश्मनों ने मुझे कैदो बंद में डालकर मुझ पे जो एहसान किया है और मेरे लिए खैर व भलाई के असबाब मुहैया कर दिए हैं, मैं उनका एवज अदा करने से कासिर हूँ, मैं तो इस एहसान का बदला नहीं चुका सकता। किस तरह नजर बदलती है एक इंसान की इस दुनिया और इसके गमों के बारे में, जब हकीकत में वो अपने रब का बंदा बन जाता है, उससे जुड़ जाता है। और अगर दिल में परेशानी और गम और दुख है तो ये नतीजा है इस बात का कि आप अल्लाह से जुड़े हुए नहीं हैं, क्योंकि ये कुरान कहता है, मन आरदा अन जिक्री फइन्ना लहू मैशतन दनका। जो मेरी याद से गाफिल होगा, जो बंदों पे तकिया करेगा, जो इंसानों के सहारे ढूंढेगा, मैं फिर उसको उन्हीं के हवाले कर दूं। इंसान के ऊपर दुख तकलीफें क्यों आती, जब इंसान अल्लाह को छोड़ के बंदों से मदद चाहता है, बंदों के आगे हाथ फैलाता है और बंदों के आगे रोता है और बंदों से मांगता है और बंदे उसकी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरते, फिर वो मारा मारा फिरता है। एक दफा फरमाने लगे, कैदी वो नहीं जो कैद हो जाए, कैदी वो नहीं जो कैद हो जाए, कैदी तो वो है जिसका दिल दुनिया की ख्वाहिशात में कैद हो जाए, दुनिया की मोहब्बत में कैद हो जाए। यानी कैदी वो नहीं है जो जेल में बंद कर दिया जाए, कैदी कौन है, जो दुनिया की मोहब्बत में कैद हुआ फिरता है, वो उसको चैन नहीं लेने देती। जब उन्हें कैद खाने में भेजा गया और दरवाजा बंद कर दिया गया तो दीवार के अंदर की तरफ आके कहने लगे, फदुरिबा बैनहुम बिसूरिन लहू बाब बातिनुहु फीहि रहमा वज़ाहिरुहु मिन क़िबलिहि अल-अज़ाब। क्या माना है इसका, और उनके दरमियान एक दीवार हायल कर दी जाएगी क़यामत के दिन। लहू बाब, जिसका एक दरवाजा भी है। बातिनुहु फीहि रहमा, उस दीवार के अंदर वाले हिस्से में तो रहमत ही रहमत है। वज़ाहिरुहु मिन क़िबलिहिल अज़ाब, और उसके बैरूनी हिस्से में सामने अजाब है। सिर्फ सोच का फर्क है। जिस शख्स ने अपने रब को पा लिया हो, उसे उसकी मारिफत हो गई हो, उसने अपने रब को पहचान लिया हो, जिसको वाकई जिक्र का सलीका आ गया हो, तरीका आ गया हो, तो हकीकत में उसके दिल को ऐसी ही राहत और उसकी कैद तन्हाई उसके लिए ऐसी ही बायस रहमत बन जाती है। ऐसा ही इंसान वो इंसान होता है जिसका ना कोई दुश्मन कुछ बिगाड़ सकता है, ना दोस्त बिगाड़ सकता है, कोई उसको कुछ नुकसान कर ही नहीं सकता। ऐसा इंसान इंसानों की मुखालफतों और दुश्मनियों और नुकसानों से ऊपर उठ जाता है। इब्न कय्यूम कहते हैं कि आप जेल के अंदर ठोसे हुए थे, यानी ऐसा नहीं था कि वो अंदर कोई बहुत बड़ा कोई लॉन था और वो टहलते थे और नहीं, ठोसे हुए थे।